हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, जन्माष्टमी पर भगवान जी के जन्मदिन पर उन्हें क्या क्या गिफ्ट हम दे सकते हैं, क्योंकि भगवान जी का जन्मदिन है और इस दिन भगवान जी को हमें ऐसे ही गिफ्ट देने चाहिए जैसे हम छोटे से बच्चों को देते हैं। तो सबसे पहला गिफ्ट आप भगवान जी को एक बांसुरी दे सकते हैं। बांस की बांसुरी कान्हा जी को देना बहुत ही शुभ होता है। उसी के साथ भगवान जी को आप इस दिन मोर पंख दें। मोर पंख भी भगवान जी को बहुत ही प्रिय है, चाहे एक मोर पंख लाएं लेकिन मोर पंख आप भगवान जी के पास अवश्य ही रखें। उसी के साथ आप लड्डू गोपाल जी के लिए सुंदर सुंदर ड्रेसेस उनकी पसंद की, बहुत ही अच्छी अच्छी ड्रेसेस आजकल मिलती हैं, मुकुट मिलते हैं, माला मिलते हैं, वो आप दे सकते हैं। उसी के साथ भगवान जी के लिए छोटे छोटे खिलौने आप दे सकते हैं। ये सब खिलौने मैंने अपने हाथ से ही बनाए हैं, आप बाज़ार से भी खरीद सकते हैं। उसी के साथ भगवान जी के छोटे छोटे बर्तन आते हैं उन्हें भोग लगाने के लिए, गिलास, कटोरियाँ, प्लेट और ये छोटी सी बाल्टी भी मुझे मिली थी, वो मैं इनके स्नान के लिए लेकर आई हूँ। इसी तरह से आप गौ माता भी भगवान जी को दे सकते हैं। यदि आपके पास अभी तक गौ माता नहीं है तो कामधेनु गायें, जिनके साथ बछड़ा भी होता है, आप ये अपने मंदिर में अवश्य ही रखें, क्योंकि कई बार हम भोग नहीं लगा पाते तो गायें उसी का काम करती हैं। उसी के साथ ही जन्माष्टमी पर हम अपने लड्डू गोपाल जी को उनका झूला झुलाने के लिए सुंदर सा झूला गिफ्ट में दे सकते हैं। फ्रेंड्स, कुछ आइडिया हमने आपके साथ शेयर किए हैं आज। फ्रेंड्स, इस तरह से लड्डू गोपाल जी के जन्मदिन पर उनको कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप आप जरूर लेकर आएं। कमेंट में आप जरूर बताना आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए इस बार क्या गिफ्ट लेकर आए हैं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें।